तमाम कयासों और अटकलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर का ऐलान कर दिया है। संजय अरोरा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। संजय अरोरा राकेश अस्थाना की जगह लेंगे। वो 1 अगस्त 2022 को दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण करेंगे और 21 जुलाई 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे। इससे पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना थे, आज वो अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। राकेश अस्थाना को पिछले साल 1 साल का सेवा विस्तार देने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था। बता दें कि संजय अरोरा 1988 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वो आईटीबीपी के महानिदेशक भी रह चुके हैं। संजय अरोरा ने 1997 से 2000 तक उत्तराखंड के मातली में आईटीबीपी की बटालियन की कमान संभाली थी। संजय अरोरा ने राजस्थान के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। आईपीएस बनने के बाद उन्होंने तमिलनाडु पुलिस में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वो स्पेशल टास्क फोर्स के पुलिस अधीक्षक रहे, जहां उन्होंने वीरप्पन गिरोह के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। वीरता और वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए उन्हें मुख्यमंत्री के वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा संजय अरोरा ने 1991 में एनएसजी से ट्रेनिंग लेने के बाद तमिलनाडु मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहने वाले विशेष सुरक्षा समूह के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।